छोटी से लेकर बड़ी भयंकर बीमारियों से गुजरना पड़ता है वो है रिफाइन ऑयल। हाँ दोस्तों, रिफाइन ऑयल ये एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को तड़पा तड़पा कर मारता है। और दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक उन्हीं लोगों को होता है जिनके घर में रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पैरालिसिस, कैंसर, डायबिटीज ये बड़े बड़े रोग भी उन्हीं को होते हैं जिनके घर में रोजाना रिफाइंड तेल का इस्तेमाल होता है। दोस्तों अब आपको बताते हैं रिफाइंड ऑयल की कहानी कि इसमें ऐसा क्या मिलाते हैं जिसके कारण आपको बीमारियों से जूझना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि रिफाइंड ऑयल में 1% भी तेल नहीं है। आप सोच रहे होंगे 1% भी? जी हाँ दोस्तों, 1% भी तेल नहीं है। तो आप पूछोगे इसमें है क्या? जहर है इसमें, धीमा जहर, क्योंकि किसी भी तेल को रिफाइंड करने में 6 से 7 केमिकल का प्रयोग किया जाता है और डबल रिफाइन करने में 12 से 13 केमिकल इस्तेमाल होते हैं और ये सब केमिकल इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। दोस्तों जितने भी केमिकल तेल को साफ करने के लिए उपयोग किए जाते हैं वो सब इनऑर्गेनिक हैं और इनऑर्गेनिक ही दुनिया में जहर बनाते हैं और उनका कॉम्बिनेशन जहर की तरफ ही लेकर जाता है। राजीव भाई ने इन तेलों पर काफी रिसर्च किया और ये पाया कि तेल का चिपचिपापन उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तेल में से जैसे ही चिपचिपापन निकाला जाता है तो पता चला कि ये तो तेल ही नहीं रहा। फिर उन्होंने देखा कि तेल में से जो बास आ रही है वो उसका प्रोटीन कंटेंट है। शुद्ध तेल में प्रोटीन बहुत है। दालों में ईश्वर का दिया हुआ प्रोटीन सबसे ज्यादा है और दालों के बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो तेलों में ही है। 4 से 5 तरह के प्रोटीन है सभी तेलों में। आप जैसे ही तेल की बास निकालेंगे उसका प्रोटीन वाला घटक गायब हो जाता है और जब चिपचिपापन निकाल दिया तो उसका फैटी एसिड गायब। अब ये दोनों ही चीजें निकल गई तो वो तेल नहीं, पानी है, जहर मिला हुआ पानी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे तेल को जब आप खाएंगे जो तेल ही नहीं है और तरह तरह के केमिकल उसमें डाले गए हैं तो उसका आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये रिफाइंड ऑयल आपको बाजार में किसी भी नाम से मिल सकता है, जैसे रुचि, जैसे गगन, सफोला, सनड्रॉप, फॉर्चून। तो आप इनसे बचिए। इन तेलों को खाने से आपका वात दोष धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया कि 80 रोग वात दोष में आते हैं, जैसे कमर दुखना से लेकर घुटने दुखना, कंधा दुखना, हड्डियों में दर्द, पूरे शरीर में दर्द रहना, कैंसर, लकवा, मधुमेह, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसे खतरनाक रोग आपको कभी भी हो सकते हैं। तो अब आप ये पूछोगे कि इससे कैसे बचा जाए। दोस्तों वात रोगों से बचने के लिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। लगभग 5000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पूर्व एक महान ऋषि हुए जिनका नाम था महर्षि बाघभट्ट। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अष्टांग हृदयम। इस पुस्तक में बाघभट्ट जी ने स्वस्थ रहने के 7000 सूत्र लिखे हैं और प्रत्येक सूत्र पर इन्होंने 40 से 50 बार एक्सपेरिमेंट करके ही अपनी पुस्तक में लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पुस्तक में बताई गई बातें कितनी महत्वपूर्ण है। तो महर्षि बाघभट्ट जी वात रोगों के विषय में लिखते हैं कि शरीर से वात दोष को अगर खत्म करना है या वात रोग होने ही नहीं देना है तो शुद्ध तेल खाइए। शुद्ध तेल यानी तेल की घाणी से निकाला हुआ सीधा सीधा तेल, बिना कुछ मिलाए हुए सीधा सीधा तेल यानी नॉन रिफाइंड तेल। जो भी अपने जीवन में शुद्ध तेल खाता है जिंदगी में वात के 80 रोग उसको नहीं होते हैं। इसलिए आप भी तेल शुद्ध खाइए। शुद्ध तेल खाने से आपके चेहरे में हमेशा चमक बनी रहेगी, किसी भी प्रकार की क्रीम आपको लगाने की जरूरत ही नहीं होगी और शुद्ध तेल खाने से हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनेगी। शुद्ध तेल खाने से आपके शरीर में चिकनाई बढ़ेगी और चिकनाई बढ़ने से HDL बढ़ेगा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये तेलों से ही आता है हमारे शरीर में। वैसे तो ये लीवर में बनता है लेकिन शुद्ध तेल खाए तब। दोस्तों चिकनाई दो प्रकार की होती है, एक अच्छी चिकनाई और एक बुरी चिकनाई। अच्छी चिकनाई हमारे शरीर में HDL बढ़ाती है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इसकी शरीर को जरूरत है। और बुरी चिकनाई शरीर में LDL बढ़ाती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो वो चिकनाई कभी मत खाओ जिससे LDL बढ़े, वो खतरनाक है। और वो चिकनाई जरूर खाओ जिससे HDL बढ़े, क्योंकि उसकी हमारे शरीर को जरूरत है। इसलिए चिकनाई तो खाओ, अच्छी वाली। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अच्छी चिकनाई कहाँ मिलती है। अच्छी चिकनाई मिलती है शुद्ध तेल में, और शुद्ध तेल है नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल। तो आप इनमें से किसी का भी तेल मशीन में डालकर निकलवाए और फिर खाए तो ये तेल शुद्ध है। ये खाओ और जिंदगी भर खाओ, कोई तकलीफ नहीं आने वाली है, क्योंकि शुद्ध तेल से HDL बढ़ता है और वो हमें चाहिए। अशुद्ध तेल मत खाओ। अशुद्ध तेल कौन सा? रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल, ट्रिपल रिफाइंड तेल, डालडा। सबसे खतरनाक अशुद्ध तेल है डालडा, वेजिटेबल ऑयल। तो इन तेलों से जिंदगी भर बचो और शुद्ध तेल खाओ। शुद्ध तेल में भी जो आपको अच्छा लगे उसका तेल निकलवाकर आप खा सकते हैं। लेकिन महर्षि बाघभट्ट जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि अगर आप बर्फीले पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो आपके लिए तिल का तेल अच्छा, और अगर आप मैदानी इलाके में रहते हैं जहां का वातावरण गर्म हो तो वहां के लिए सरसों आदि का तेल अच्छा, और जो समुद्र के किनारे रहते हैं
उनके लिए नारियल का तेल सर्वोत्तम बताया गया है। तो शुद्ध तेल खाइए और जिंदगी भर के लिए वात के 80 रोगों से बचे रहिए। इसलिए आज और अभी से रिफाइंड तेल को खाना बंद करें और शुद्ध तेल खाना शुरू करें। दोस्तों, आपके द्वारा लिया गया ये कदम आपको भविष्य में होने वाली बीमारियों से तो बचाएगा ही, पर आपके लाखों रुपए खर्च होने से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, और आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और रिफाइंड ऑयल हमारे भारत देश में हमेशा के लिए बंद हो सके। और ये आपकी सहायता के बिना संभव नहीं है, इसलिए पुनः हर भारतवासी से निवेदन करता हूं कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय आयुर्वेद।